हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। टुडे वी आर हियर विद द क्लास 9th साइंस वर्कशीट नंबर 20 सॉल्यूशन। आपकी साइंस का वर्कशीट नंबर 20, उसके सॉल्यूशन के साथ आए हैं। 2 से 3 मिनट का ये वीडियो रहेगा जिसमें आपको रिटर्न सॉल्यूशन मिलेंगे। लेट्स मूव टू आवर कंटेंट हियर। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, टुडे इज़ द डेट 19th ऑफ अगस्त 2020। वर्कशीट नंबर 20 एंड सब्जेक्ट इज साइंस। आवर टॉपिक इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। Here, our first question is there. What is the importance of cell membrane? Answer is, it acts as semi-permeable membrane. Permeable होता पारगम है, जिसके आर पार जाए जा सके. So it acts as semi-permeable membrane that is allow only certain substances which are required by cells to pass through it. केवल वही पास हो पाते हैं जो सेल्स को रिक्वायर होती है. It doesn't allow harmful substances to pass through it. That is the most important function of the cell membrane. Second is, our second question is, explain plasmolysis with diagram. हमें plasmolysis है वो diagram के साथ explain करना है। पहले तो ये समझना है कि ये plasmolysis है क्या। Plasmolysis is the process in which cell lose water in a hypertonic solution में जो सेल्स है वो अपना पानी है वो छोड़ देती है। तो इसमें क्या होता है, हियर इज द सॉल्यूशन। डायग्राम आप देख पा रहे हो, इन द प्रोसेस ऑफ द प्लाज्मोलिसिस हियर इन द नॉर्मल सेल एंड व्हेन द प्लाज्मोलिजिंग सॉल्यूशंस में जाती है, यानी कि जब वो वाटर को छोड़ देती है तो वो सिकुड़ जाती है। ओके तो ये प्लाज्मोलिसिस है, उसको डायग्राम के साथ हमने एक्सप्लेन किया। आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया, विच पार्ट ऑफ द सेल इज परमेबल। परमेबल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। परमेबल मीन्स जो पारगम्य, आर पार जा सकता है जिसके कुछ भी। दो, जो इसका सेल वॉल है, सेल वॉल इज डेड एंड फुली परमेबल। इट कैन नॉट रेगुलेट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो सेल वॉल है, इतना ही आंसर लिखते हो तो भी काफी है। सो सेल वॉल इज द पार्ट दैट इज परमेबल। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट चेंज विल अकर इन रेजिन एंड आरबीसी रेड ब्लड सेल्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाई, अगर हम आरबीसी को स्पेशली या किशमिश को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो क्या बदलाव आएगा और क्यों। तो इसमें आरबीसी इट मीन्स द रेड ब्लड जो सेल्स हैं वो क्या होंगे, विल स्वेल इफ दे आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो फूल जाएगी एंड द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस से उनमें पानी आएगा एंड सेल माइट ब्रस्ट, वो ब्रस्ट भी हो सकता है एंड रैप्चर इफ दे आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन फॉर ए लॉन्गर टाइम। सो ये थे आपकी आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।